नमस्कार, मैं अद्वैत राधा। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय भाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी सीट खाली रह जाती है तो फिर कॉलेजियम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के इन हाउस थिंक टैंक ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग को भी भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल करने का ऐलान भी किया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स ने अपने शोध में पाया है कि शहरी बच्चों की तुलना में ग्रामीण बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। शोध की रिपोर्ट के साथ सुझाव भी दिए गए हैं कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के होम साइंसेज कॉलेज की प्रोफेसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक गायत्री राठौर ने बताया है कि यह शोध 5 साल में पूरा हुआ है। इसमें 6 साल उम्र के बच्चों के माता पिता को शामिल किया गया है। भगौरे मेहुल चौकसी को भारत लाना और मुश्किल हो गया है। वह एंटीगुआ में शरण हुए हैं। एंटीगुआ हाई कोर्ट ने भारत में 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी चौकसी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसे बिना इजाजत एंटीगुआ से नहीं हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां चाहे भी तो चौकसी को एंटीगुआ से पकड़कर भारत ले आए तो इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। केदारनाथ के दर्शन की इच्छा करने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह सालाना यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून को आसान भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि आम लोगों को समझ में आ सके। उन्होंने कहा है कि न्याय वितरण प्रणाली को गति देने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अहम है। प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय देने में मदद कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग न्याय में आसानी से लाने के लिए किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत के जिस सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर खुद को दोषी करार जाने वाले फैसले पर रोक लगाने की अपील की, इस मामले की सुनवाई जज रॉबिन पॉल मोगरा कर रहे हैं, जो कि एक फेक एनकाउंटर के एक मामले में गृह मंत्री अमित शाह के वकील भी रह चुके। जज बनने से पहले रॉबिन पॉल मोगरा गुजरात में वकालत करते थे। बता दें कि उन्हें 2017 में जिला जज नियुक्त किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपनी इंडोनेशिया समकक्ष मुलानी इंद्रावती से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जताई है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने दोनों नेताओं को शुक्रवार की बैठक के बाद बताया है कि इंद्रावती ने G20 में भारत की अध्यक्षता को अपना समर्थन दिया और बाजार की उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जताई है। इंडोनेशिया पिछले G20 का अध्यक्ष था। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए यहां आई हुई है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निजी हॉस्पिटल संचालक आज से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आयुष्मान कार्डधारी लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। दरअसल निजी अस्पताल पिछले 15 महीने से फंड नहीं मिलने से नाराज है, जिसके चलते वे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को लेकर अस्पताल संचालकों में भारी रोष भी व्याप्त है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने रेखांकित किया है कि भारत ने पिछले कुछ सालों के दौरान नवीन तरीकों के माध्यम से लक्षित त्वरित कुशल और समावेशी सेवा वितरण में अपना योगदान दिया है। इटली में ChatGPT को बैन करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI चैटबॉट को लेकर दूसरे यूरोपीय देश भी अलर्ट हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के प्राइवेसी मामलों पर नजर रखने वाली बॉडी यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने ChatGPT के लिए एक टास्क फोर्स भी गठन किया है। यह कदम इटली में AI चैटबॉट को बैन करने जाने के कुछ हफ्तों बाद ही उठाया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में स्पेन के कहने पर ChatGPT पर चर्चा शुरू हुई है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को विपक्षी एकता पर जमकर हमला किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, गीदर इकट्ठा होकर भी लड़े तो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जाने के बाद उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम PM मोदी ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई उनके विचारों का उत्तराधिकारी है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उन्होंने उनके रास्ते पर चलकर समाज में समन्वय बनाने का काम किया है। देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से गरीबों के लिए कई खास स्कीमें चलाई जाती हैं। अब राज्य सरकार ने गरीबों को फ्री खाने के सामान के पैकेट देने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना नाम वाले इस कार्यक्रम में 392 करोड़ रुपए का मासिक खर्च आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में अनुमान लगाया है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर और भारत में विकास दर धीमी रहेगी।
आईएमएफ का कहना है कि प्रतिकूल झटकों के अलावा आर्थिक दबावों के मद्देनजर अपनाई जाने वाली आक्रामक और सख्त मौद्रिक नीतियों की वजह से ही विकास दर प्रभावित होगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को जल्द ही प्राचीन संस्कृत किताब सुश्रुत संहिता में बताए गए प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ उन्हें वैदिक खगोल विज्ञान या फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ना होगा। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स को भी कम से कम आयुर्वेद और सिद्ध सहित इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर क्रेडिट कोर्सेज लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत पढ़नी होंगी। डेयरी उत्पादों के आयात की चर्चा के बीच केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों का आयात नहीं किया जाएगा। इन चीजों की आपूर्ति बढ़ सके इसके लिए सरकार घरेलू क्षेत्र की मदद लेगी। एक कार्यक्रम में शुक्रवार को पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि मांग बढ़ गई है, डेयरी उत्पादों की किल्लत की खबरें पूरी तरह से गलत है। देश में दूध की कमी नहीं और सरकार इस ओर नजर बनाए हुए है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में पूरे देश का दौरा करेंगे। इस दौरान विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। इसको लेकर सब लोगों के साथ दिल्ली में बैठकर बात हो चुकी है। कांग्रेस और बाकी दल सभी सहमत है, एक बार चुनाव से पहले सब तय हो जाएगा तो देश भर का दौरा करेंगे। ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी है कि एलन मस्क ओपन एआई के चैट जीपीटी से काफी प्रभावित है और वह कुछ ऐसा ही बनाने के बारे में सोच भी रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स ने शुक्रवार को मस्क के परिचित लोगों को हवाला देते हुए कहा है कि एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप शुरू करने पर काम कर रहे हैं जो ओपन एआई चैट जीपीटी को टक्कर देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की एक टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। बेंगलुरु की एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई एनएवीआईसी चिप का शुभारंभ किया है। इसके सहायता से स्कूल बसों हथियार प्रणालियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यह नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में भारत की अपनी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकती है। 12 नैनोमीटर चिप को एक मोबाइल फोन या किसी भी हाथ में रखने वाले डिवाइस में स्थापित किया जा सकता है। फाइजर कंपनी की बूस्टर वैक्सीन कोरोना से बुजुर्गों की मौत का खतरा 68% कम करती है। इस वैक्सीनेशन की डोज लेने से कोरोना के कारण अस्पतालों में भर्ती होने का खतरा 72% कम हो जाता है। बता दें कि एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के लोगों को हिमाचल दिवस की बधाई दी और कहा है कि हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों को जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे। इस हफ्ते G20 की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हिस्सा लिया। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के इतर हुई है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में एंगेजमेंट ग्रुप के कार्य समूह महिला 20 की बैठक भी हुई है। साथ ही शेरपा ट्रैक में एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का उपयोग करना विषय पर वर्चुअली बैठक का आयोजन किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। IMD की ओर से जारी की गई यह रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मॉनसून में लगभग 70% अलनीनो के विकसित होने की संभावना है। उसकी वजह से कृषि खपत और अर्थव्यवस्था को भी खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आज दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। विश्व बैंक के एक कार्यक्रम में बोलते हुए PM ने कहा है कि दुनिया को अगर जलवायु परिवर्तन से पार पाना है तो हर एक इंसान को इससे लड़ना होगा। दरअसल विश्व बैंक में कैसे व्यवहारिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन से निपट सकता है शीर्षक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें PM वर्चुअल रूप से जुड़े। भारत में 5G लॉन्च होने के बाद एयरटेल और जियो की 5G लॉन्च डेट लगभग तुरंत ही सामने आ गई थी। कुछ समय बाद ही दोनों कंपनियों ने 5G रोल आउट भी शुरू कर दिया था। आज भारत के कई शहरों और राज्यों में जियो और एयरटेल के 5G सर्विस अवेलेबल है, लेकिन VI की 5G सर्विस का कुछ अता पता नहीं था। VI यूजर्स सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब कंपनी 5G लॉन्चिंग का खुलासा करेगी। अब उन यूजर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कंपनी ने आखिरकार भारत में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए कमर कस रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की किताबों को लेकर बवाल मचा हुआ। इसकी वजह यह है कि हाल ही में इसने अपने सिलेबस को अपडेट किया और मुगल महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के हत्यारे नथुराम गोडसे हिंदू अतिवादियों का जिक्र और 2002 गुजरात दंगों को किताबों से हटा दिया गया है। किताबों में हुए इस बदलाव को लेकर काफी बहस भी चल रही है। अब सरकार ने कहा है कि NCERT ने सिलेबस में बदलाव के लिए 25 एक्सटर्नल एक्सपर्ट से परामर्श लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में असम के CM हेमंत बिस्वा सरमा ने सबसे बड़ा बिहू नृत्य और डुड़मा ढोल ड्रम पहनावा का आयोजन किया है। इस उपलब्धि को लेकर उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 13 अप्रैल को गुवाहाटी के सुर सजाई स्टेडियम में 11,304 लोक नर्तकों और 2,548 ढोल वादकों ने यह उपलब्धि हासिल की थी। बिहू लोक नृत्य का सबसे बड़ा गायन है। इसकी निगरानी के लिए लंदन में गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड मुख्यालय की एक टीम मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में कलाकारों ने अपना शो प्रस्तुत किया। राजधानी रांची के बरियातू में सेना की जमीन में हुए घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को अहम जानकारी हाथ लगी है। जमीन हड़पने के लिए बनाए गए जाली दस्तावेजों में बड़े घालमेल का पता चला है। ईडी की गिरफ्त में आए प्रदीप बागची ने दावा किया है कि वह 4.55 एकड़ जमीन का असली मालिक है। इसे साबित करने के लिए बागची ने जमीन के दस्तावेज ईडी के सामने पेश किए हैं। सिख धर्म के इतिहास में 15 अप्रैल का दिन बेहद खास है। इसी दिन साल 1469 में तलवंडी का राय भोई जो अब पाकिस्तान में है, वही सिख पंथ की स्थापना करने वाले बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था। अब इस जगह को अब नानकाना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक के माता पिता का नाम बाबा मेहता कालू और तृप्ता था। सिखों के पहले गुरु नानक लगभग पूरी दुनिया की यात्रा की और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। बताया जाता है कि वह कई भाषाओं के जानकार भी थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ताले देश दुनिया भर में मशहूर है। इसकी पहचान को पुख्ता बनाए रखने के लिए अब सरकार की पहल पर ODOP प्रोडक्ट ताले को GI टैग मिला है। इसके लिए ताला कारोबारी और कारीगर उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसलिए क्योंकि अब ताले को लेकर खास पहचान रखने वाले अलीगढ़ खुद ताले की ब्रांडिंग कर सकता है। बताया जा रहा है कि इससे ताले के व्यापार को इसका लाभ मिलेगा। लखनऊ जो चिकन उद्योग के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, अब यह रक्षा उत्पादों का केंद्र बनेगा। यहाँ पर अब ब्रह्मोस मिसाइल प्लांट के साथ ही रक्षा से जुड़े 5 बड़े उद्योग आकार लेंगे। इसमें 632.55 करोड़ रुपए का निवेश आने के साथ ही 15,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लव बैठा, नुन्नू, गोलू कुमार, रविशंकर, MD अनवर आलम, MD साकिर हुसैन, अकबर अंसारी और MD दुल्ला आलम। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।